दोस्तों आज आईफोन के बारे में एक ऐसी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके होश उड़ा सकती है, क्योंकि आईफोन शायद आपके जो फोटोज़ हैं, मतलब बार बार हर 5 सेकंड में आपकी फ़ोटोज़ खींच रहा है, या फिर उसका जो कैमरा है फ्रंट फेसिंग कैमरा वो लगातार आपके मतलब आपको देख रहा है, या हो सकता है कि अपने सर्वर्स में वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेज रहा हो। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे दावे किए जा रहे थे और उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इंडिया में तो ऐसा लोगों ने अभी तक नहीं ऑब्जर्व किया, लेकिन फॉरेन कंट्रीज़ में लोगों ने ऑब्जर्व किया, लोगों ने कुछ शॉर्ट वीडियोस बनाए, वो देखा मैंने, उसके बारे में थोड़ा पढ़ने की कोशिश की और ये वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। दोस्तों ये वीडियो कोई भी ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है या कोई मैं फैक्ट नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया और आप भी ये चीज़ ट्राई करने की कोशिश करिए। अगर ऐसा होता है तो हम ज़रूर चाहेंगे कि एप्पल इसको क्लैरिफाई करे कि ऐसा क्यों होता है। हो सकता है कि किसी दूसरे कारण से हो, लेकिन अभी तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो तो यही है कि हर 5 सेकंड में वो फ्लैश होता है और आपकी फ़ोटोज़ खींचता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। दोस्तों को तक वीडियो शेयर करिएगा और चैनल में पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों देखो, जब भी आप आईफोन लेते हो, एप्पल ने आईफोन 10 से ही फेस अनलॉक ऑप्शन दे दिया था, तो उसके बाद से जब भी आप फेस अनलॉक वाले एप्पल फोन्स लेते हो तो उसमें आपको अगर ये चीज़ चेक करनी है तो आप कैसे कर सकते हो, आप पहले तो रूम में एकदम अंधेरा कर दो, ठीक है। अंधेरा करने के बाद आप उसकी ब्राइटनेस फ़ोन की कम करके उसको बंद कर दो, उसके बाद आप देखोगे हर 5 सेकंड में एक फ्लैश टाइप का वो ऑन होता है और वो जहाँ पर कैमरा है ना वहीं से वो ऑन होता है। अभी कुछ लोगों ने ये बोला कि भाई इंफ्रारेड सेंसर से इसको हमने देखा है, ये है वो है, लेकिन कई लोगों का ये भी कहना है कि भाई लाइट ऑफ करके एकदम अंधेरा करके आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो हमारा सोचना यही है कि आईफोन्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, एप्पल ऐसा क्यों कर रही है। वो देखो, ये चीज़ तो हमको पता है कि हमारे जो भी फ़ोन में जो स्पीकर्स या माइक्रोफोन्स हैं वो सब चीज़ें वो सुनते हैं और उस हिसाब से ही पर्सनलाइज एड्स दिखाते हैं। वो चीज़ों में उनका कहना ये है कि भाई हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि यूज़र एक्सपीरियंस बेहतर हो सके। अभी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर ये कैमरा फ़ोटो खींचता है, या फिर आप मान लो कभी भी आप एक प्राइवेट लाइफ जी रहे हो, ठीक है, और आपके फ़ोन्स जो कैमरा है वो उससे आपको कोई देख रहा है, तो कितनी खतरनाक चीज़ साबित हो सकती है अगर ऐसा होता है। तो मैं ज़रूर ये चीज़ रिकमेंड करूँगा कि इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िए, देखिए एप्पल की कोई भी कहीं क्लैरिफिकेशन ऐसा हो तो आप ज़रूर नीचे कमेंट सेक्शन में भी उसको पोस्ट करिए, उस आर्टिकल को डालिए, जिससे लोगों तक ये चीज़ जानकारी पहुँच सके। देखो, गलत खबर नहीं जानी चाहिए। अगर एप्पल इसको सिर्फ और सिर्फ किसी हमारे ही बेहतर एक्सपीरियंस के लिए कर रहा है और हमारे पे कोई स्पाई नहीं कर रहा है तो ये भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए, और अगर कर रहा है तो वो भी चीज़ क्लियर होनी चाहिए। देखो, अगर आप इसको ये कहो कि भाई वो आपका फेस सेंसर के लिए काम करता है, कि भाई फेस सेंस करना है और आपका फेस अनलॉक कैसे करेगा अंधेरे वगैरह में, तो फेस अनलॉक करने के लिए यार जब मैं उसको ऑन करूँगा और जब मैं उसकी तरफ ऐसे देखूँगा तब ऐसा होना चाहिए। अगर नॉर्मल में भी उसमें ऐसे फ्लैश जलता रहे और उसमें से कुछ चीज़ें रिकॉर्ड होती रहें तो वो चीज़ थोड़ी सही नहीं साबित होती है। और ऑल इन ऑल देखो, ये मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि ये मेरा एक ऐसा कोई व्यू नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है, कुछ मैं ऐसा नहीं कह रहा। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर सुनना चाहेंगे इस टाइप की चीज़ जो भी इंफॉर्मेशन है उसको। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोग के लिए मैं लेके आता रहता हूँ। वीडियो पसंद आया तो इसको आईफोन यूज़र्स तक ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये इंफॉर्मेशन फैले। और चैनल पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।